जब हमें अंदर से लगता है ना हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, जबकि चीज़ें काम नहीं कर रही होती, बट जब अंदर से वो आवाज़ आती है ना, इसका मतलब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इस व्लॉग में आप देखने वाले हो पांच ऐसी जगह जो कि आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो इन बीर, जीरो लेवल से, आई मीन द पॉकेट फ्रेंडली बजट से लेकर हाई बजट तक की प्लेसेस इसमें कवर्ड है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइड सासनजल। और आज का व्लॉग बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज आपके व्लॉग में, मतलब मेरे व्लॉग में, आप देखने वाले हो पांच ऐसी जगह जो बीर में सबसे अच्छी हैं, और जहाँ पे मतलब बिल्कुल अलग अलग जगह बीर में, और इट्स फॉर स्टे, बेस्ट स्टे इन द बीर, सिंपल बेस्ट स्टे इन द बीर। सो मैं रुकी हूँ बीर कैंप्स के साथ, जो कि मेरी वन ऑफ दी फेवरेट प्रॉपर्टीज में से एक है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नेचर का टच है, नेचर की मतलब आवाज़ है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ दो मिनट शांत खड़े हो तो नीचे से पानी की आवाज़ आती है, धूप एकदम डायरेक्ट आती है, सन बिल्कुल मेरे सामने से आता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठो तो। जो इनका यहाँ पे रहने के टेंट्स हैं, ये सबसे बेस्ट टेंट है जो मेरा वाला है। और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंट्स हैं, और दो टेंट इनके ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ऊपर बन रहे हैं दो टेंट्स आपके, और गाड़ी आ जाती है आराम से। कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं? पाँच छः तक, 5 6 और बाकी ऊपर लग जाती है। हाँ, यहीं पास में लग जाती है, सही है। तो यहाँ पे भैया है जो काम करते हैं, और दूसरे भैया जो आज बाथरूम की सफाई कर रहे हैं। वहाँ पे जो है आपका कैफेटेरिया है बिल्कुल मेरे सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 से लेकर कैंप सोल्ड आउट होता है 4000, एंड डिपेंड अपॉन द सीजन ऑल्सो। सो कुछ कैंप्स जो हैं वॉशरूम से अटैच है, कुछ कैंप्स नहीं है, बट इन्होंने वॉशरूम की फैसिलिटी आपको बाहर दे रखी है। आपके धुल जाते हैं यहाँ पे कपड़े? हाँ। सो दीदी यहाँ पे गुनेहर वाटरफॉल का पानी आ रहा है ना, और दीदी यहाँ से कपड़े धो रही हैं। ये सारा वाटरफॉल का पानी है नीचे, सही है। सो ये वो रास्ता है जिससे हम रात को आए थे और जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत क्लासी तरीके से पार्क होती है। सो गाइस, वी आर हैविंग द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द डे, एंड यहाँ पे मैं और लव रह चुके हैं, एंड आई लव दिस प्लेस। सबसे बड़ी चीज़ है, पता है, यू नो पीपल हैव द होस्टल्स, बट आपके यहाँ पे कंपाइल कॉम्बिनेशन है। वी हैव अलकनंदा विद अस, एंड अलकनंदा हैंडल दिस ऑल प्रॉपर्टी। तो अलकनंदा बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, बिकॉज मैं रूम में रह चुकी हूँ, एंड यू पीपल हैव दिस डोमेट्री ऑल्सो, आई रिमेम्बर। सो बाकी आप बताओगे, लेट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी टूर ऑल्सो। यस प्लीज, आई शो यू द डोमेट्रीज दैट शी इज टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट हैपेंस यूजुअली इज, वी गॉट ट्रैवलर्स, देयर आर सम पीपल ऑलरेडी इन हियर, वी गॉट ट्रैवलर्स एंड दे ट्रैवल, सो मेनी ऑफ देम आर फॉर लॉन्ग स्टेज, मेनी ऑफ देम आर हियर See on a budget trip, many of them are just traveling solo and might not want to be in like a private room. They might want to just socialize more, like, yeah, I'll stay so with true. more people. I, you know, at night I just sit and in my bed in the coziness, I'm going to talk to a lot of people. So that's where the dormitories come in picture. Great. And how much your dormitory are charging right now? 400 rupees. It's so nominal, I'm telling you. But our hostel is a very vibrant hostel. That's so true. That's the reason I want to cover you people, because last time also I realized this thing. Last time आपको पता नहीं होगा guys, but me and Love was right. Yeah, I do remember this room. Thank you. That's fine. It's the same, but पता है यहाँ पे बहुत changes हो चुके हैं। अब मुझे room ज़्यादा clean दिख रहा है। I won't say, मतलब मैं कोई गलत वो नहीं दूंगी। But when a human maintains something ना, it actually shows up उसके काम से। This is actually, I have something, I have heard something guys, कितना पुराना है ये? 230 years mud house, और ये भी renovation के अंदर है। So guys, you gonna get this option here. अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, सो यू कैन एक्चुअली मेक अ एपिक मूवमेंट कि मैं 2000 पुराने, मतलब नहीं 200 सॉरी 200 पुराने, 200 साल पुराने एक्चुअली एक मड हाउस में रुका हूँ। सो यहाँ पे दो कॉटेज हैं जो मैं आपको थोड़ी सी वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो 12 रूम्स हैं इनके, प्लस सेम रूम का स्टाइल है जिस तरीके से हमने अदर रूम देखे गाइस। सो हाउ मच यू लाइक दिस वाली प्रॉपर्टी? अभी ख़त्म नहीं हुई है पता, दे हैव कैफे एज वेल। सो गाइस, दिस इज एक्चुअली द कैफेटेरिया, और ये आपका बॉनफायर एरिया है, एंड दैट इज सामने वेयर यू कैन एक्चुअली हैव द फूड, एंड यू कैन सिट अराउंड हियर। एंड इन्होंने पूरा का पूरा, जैसे कि मैं
मतलब आई नॉट से मोर बट येस इन्होंने पूरा का पूरा मेंटेन कर रखा है बिल्कुल लाइक ओल्ड स्टाइल में. आई एम सो श्योर आप टायर भी यूज़ करोगे. यस बेस्ट थिंग अबाउट देम इज इनका अपना इन हाउस गार्डन है. सो हम जा रहे हैं अब हमारे नेक्स्ट डे की तरफ जिसका नाम है द हिमाल वीर जो यहाँ का बहुत अलग टाइप का लग्जरियस डे है. एंड यू नो उसका प्राइस आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 6,000 से उसके ऑफ सीजन प्राइसेस भी स्टार्ट है. तो देर आर गोइंग टू हैव मतलब वी एक्चुअली गोइंग टू हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मैं एंटर कर रही हूँ हिमाल में जहाँ पे आपके पास पार्किंग फैसिलिटीज भी है जैसे कि हमारे पुरानी जगहों पे हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज थी और की प्रॉपर्टी थोड़ी सी शांत सी जगह में. हिमाल में भी आप फाइंड आउट करोगे इनकी अपनी गार्डनिंग है. Love this section. So that's the reception area, guys. So that's the area which is actually beautiful maintained, guys. Just look at this and just look at this culture thali. और ये जो है I guess if I'm not wrong, these are mud plates जिस पर ये Madhubani arts बनी हुई है. Guys, they have the chappals अंदर जाने के लिए different वाली slippers. So अपनी slippers यहाँ उतारनी पड़ती है and then you can enter inside. So जैसे हम enter करते हैं ना, so they have this beautiful tree of knowledge. हम ऊपर की तरफ चलते हैं and ये just see this old currency notes. This is from Nepal. Every note is from Nepal if I'm not wrong because I've been Nepal. I have this also. I've been to Nepal बहुत पहले. Let's go upstairs now. Decoration check करो. जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं. The same bangles they have and totally breathtaking view मेरे सामने है इस वक्त. और मैं तुम्हें रूम भी दिखाने वाली हूँ इस जगह का. Don't worry. So just look at this view. So we have dining area. I totally love that. यहाँ पर मेरे सामने हिमाचल की टोपी है if I am not wrong. तो आप लोगों ने इसको हिमाचल में मतलब लोगों को पहने में बहुत देखा होगा. मैंने वाले नीलगिरी के अंदर एक्चुअली में क्योंकि आज यही रूम अवेलेबल था इनके पास. Let me just close this. Wow. I totally love that. It's a beautiful setup. एंड उसके अलावा इफ यू सी तो आपको अपनी पार्किंग दिखेगी नीचे की तरफ और आपको खेती बाड़ी होती दिखेगी जो गार्डनिंग एक्चुअली हमने जो स्टार्टिंग में कवर किया था गाइस इस एरिया के स्टार्टिंग में. मैं क्या बेड पे बैठ सकती हूँ पक्का. चलो आई जस्ट रीड द बेड. इट्स सॉफ्ट. दिस वन इज एक्चुअली सॉफ्ट. आई रीड इट लाइक यू नो 9 आउट ऑफ 10. नाउ वी हैव द क्लोजेट. यू हैव दिस फैसिलिटीज आल्सो. वाओ लुक एट दिस. And you have the whole water bottle also. मतलब अगर मैं घर पे भूल जाऊँ या आप घर पे भूल जाओ तो they have the hot water bottle. You can actually carry till then. मैं घर पे चलाती हूँ ना. See, look at this. This area. I just love this one area. यार कितना सही मौसम. So they have completely, you know, private balcony in every room. Coming to the second floor. So. They have this. Well, पहले तो ये बताओ, how many rooms you have? No rooms हैं. Just okay. पूरे के पूरे guest room. पूरे के पूरे guest room हैं. और मतलब क्या special है? मतलब मुझे तो एक चीज़ें बहुत सारी दिखी, but आपके लिए क्या special है यहाँ पे? मैम actually यहाँ पे हमारा जो है hotel. हम घर की तरह रखते हैं और इसमें जो हमारी मैम है जो हमारे ओनर की मिसेज है वो नेपाल से. अच्छा तब भी ये सारा का पूरी की पूरी थीम जो वो पूरी नेपाल के ऊपर बना करके. तब भी मैं देखूं कि इफ यू आर लुकिंग गाइस फॉर द नेपाली थीम इन इंडिया सो दे हैव दैट. क्योंकि ये वाटर इसलिए रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें रखा हुआ है पॉट में. इट्स टाइम टू मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर डे एंड लेट्स जस्ट गो. अभी तो शाम बाकी है, अभी बहुत कुछ काम बाकी है. एंड हाउ विच वन इन तीनों में से बहुत बेटर लगी कमेंटेड बिकॉज आई एम गोना कवर टुडे द बेस्ट प्रॉपर्टीज विद द लो बजट टू द हाई बजट. मतलब पॉकेट फ्रेंडली से लेके हाई बजट रियलिटी ऑफ ट्रैवलिंग. सो पता है यहाँ पे ना इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉरनर्स पैराग्लाइडिंग करने आए हुए हैं. अभी यहाँ पे लोकल का क्राउड बहुत कम है. सो फाइनली रीचिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डे एंड दैट इज सुकून बाग.
सुकून बाग थोड़ी सी ऑफ बिट लोकेशन है, सो दिस इज एक्चुअली सुकून बाग का किचन. कुछ भी चलेगा, आप खिला दो. ठीक है, एंड यहाँ पे आज गेस्ट जो है वो बने हैं खुद शेफ. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वंशिका? राइट, यस. यू लुक एक्चुअली अमेजिंग इन दिस अटायर. सो यू लव टू कुक? यस, सो आई एम अ स्टूडेंट एट IIT मोरंगाबाद ताज ग्रुप. या वाओ, सो आई एम अ बडिंग शेफ. Your budding chef? My mother, she is a teacher by profession. Wow. And me and my mother together have started this cloud kitchen known as Pilai. Do you want to continue? Yeah. How is your experience here? So the place is pretty good. I mean, the life is really slow and I'm actually having fun. And cooking here is another experience. Wow. So it's pretty good. It's very calming. So ये इनका common sitting area है जहाँ पर books, और सबसे अच्छी बात आपकी धूप की रोशनी direct आ रही है. So what's your name, pretty lady? Jaya. Yeah. Jaya is cooking for the day. Yeah. So how is the experience? Experience Jaya, yahan par. Hi. Can I call you Jaya, right? Yeah, yeah, why not? Because you look actually young. Thank you. So how is the experience here? Yeah, it's good. I'm really enjoying. Really enjoying. Wow, that's came awesome. To know everybody is a guest here and they are helping out. This is actually fun. So writing here, aapki writing pehle to bahut achi. Ye sare menu jo hain wo aaj ka aapne decide kar rahe hain, matlab aap logon ne decide kar rahe hain milke, right? So I am just a promoter of PD India. Oh, wow. PD India is owned and founded and owned by Vanshika, my daughter Vanshika, and my wife Jaya. Achha. We are from Surat. अच्छा. वंशिका इज अ बडिंग शेफ एंड वंशिका इज कुकिंग. केम टू नो. So we prepared this menu according to the demand at Beer right now. There are a lot of foreigners who have come over here. Okay. And there's a demand for content. Beer में best चीज पता है ये है कि सबके in-house gardening है. So guys, here is Shashi with us for today. And ये हमारी fourth location है, जैसा कि आप लोगों को पता है. And this is something very unique location जहाँ पे आपको gardening के साथ साथ एक सुकून से. एग्जैक्टली, हम सुकून बाग में हैं, बट यहाँ सच में उस टाइप का सुकून है, यहाँ के आके फील ही कर सकते हो आप. मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती कैमरा में. क्यों शशि? अभी मैंने सुना आप फिल्म मेकिंग में हो. और सो मतलब मैं काफ़ी कुछ कर लेता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें. लाइक आई एम अ पोइट राइटर, माय बुक इज कमिंग नेक्स्ट ईयर, वाओ, माय पेंटर. So will I get a copy? Will I? I'm a filmmaker too. Now I did the interior. This is my first interior. This house was an old house. We built in 2004 or 5, I guess. Then I did the renovation during the COVID time. And this is my first architect. The stone house. I built it in July. July. Yes. This July. Just July. So let's go to the room, guys. Okay. Wow. This is actually amazing. This is I love it. Like, you know, guys. You know, this is something which is we are normally like fourth one. But do you actually think ki sari ek dusre se alag thi? Right. So this is something with sofa set, bed. आप अलग से बेड लगा, दिस इज लाइक 4,000 पर नाइट विदाउट फूड एंड कोई नहीं यार. सचिन और हम अंशिका का घूमेंगे और एंटायर लाइक सामान रखने की जगह. मैं खोलूंगी नहीं, सीक्रेट बिकॉज स्मेल लोग रह रहे हैं यार, सामान ना निकल रहा है. सो वी हैव द किचन ऑल्सो, अगर आपको खाना बनाना आता है. एंड आई लव दिस प्लेस, तो आप अपना फूड भी खुद प्रिपेयर कर सकते हो. आई गेस पीपल एक्चुअली प्रिपेयर स्मॉल स्काई. अच्छा, किचन से स्काई भी. आशीष, सो वी कैन एक्चुअली कवर द स्काई एरिया. वाओ, मतलब डायरेक्ट रोशनी आती है, आपको लाइट की जरूरत नहीं है. डे टाइम पे हम मॉशरूम चेक कर सकते हैं. तुम लोगों ने मुंह रूम में सब नहीं करा हुआ, मैं अपने रूम में किसी को घुसने नहीं दे सकती हूँ, तो मैं सब करा हुआ है. ओके, वी हैव दिस वॉशरूम यहाँ पे एंड इट्स टोटली लाइक यू नो, अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूँ तो ये मिनी अपार्टमेंट टाइप है गाइस. प्रॉपर सब कुछ अवेलेबिलिटी,
So do you think so the 4,000 value is actually good for this room? This is something love, right? Mereko to bahut pasand aaya. सो गाइज दिस इज़ दी अनदर रूम इनका. बाकी तो हम दो जो दो रूम हैं वो एक जैसे ही हैं. यहाँ पे मैडम रुके. हेलो हाउ इज इट? वाओ. व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाय निकिता. सो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हम दूसरों के रूम्स में जा रहे हैं. सो चप्पलें उतार देते हैं. एंड दिस इज़ दी प्राइवेट किचन. यहाँ पे जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट लुक द रूम. जब आप उठोगे तो पूरा आई मस्ट से you have an amazing skill, Sashi. The beautiful architecture. And just look at this stay. This room worth around 5,000. And you will fall in the love with the mountains yahan pe aane ke baad. And this is the room actually. Oh, achha. This, aisa khulta hai ye. Just look at this, ki how this actually opens. Aur uske ilawa, when I enter this room, we have a personal closet yahan pe. सामान रखने की जगह विच इज एक्चुअली वेरी सीरियड. और सिर्फ इतना नहीं, आप रूम के अंदर आओ ना, आपको कुछ और दिखाती हूँ. यू हैव दिस पर्सनल स्पेस, द पर्सनल लाइट फॉर रीडर्स. एंड उसके अलावा द मिरर. एक्चुअली शशि तुमने ये मिरर चेंज कराना पड़ेगा, ये टूटा हुआ है. ठीक है, लेट्स सी फर्दर. यहाँ से भी व्यू है, मतलब व्यू के साथ आप सो सकते हो. आई टोटली लव दिस रूम एंड द एंटायर प्लेस. Is wow. Even I can't define with the definition कि ये room कितना perfect और कितना सुंदर है. Wow, है ना? We have a very personalized balcony also यहाँ पे. This is amazing. Just look at the view. The mountains. हाँ, the right now mountain थोड़ी सी है ना? हाँ. Foggy सा लग रहा है. हल्का सा smoky सा. Because शाम हो चुकी है. Morning which wow. Amazing. Like you can see around minimum 20 to 30 mountains at a time. That's the blue awesome. Mountains. What ranges are they? They are basic. They are basic ranges. Shivalik. Shivalik. Okay. Shivalik ranges. Okay. It's cool. It's totally long. चलो इट्स डन फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी. थैंक यू सो मच. आई टोटली लव इट. अरे पहाड़ों में ना सनराइज बहुत प्यारा होता है और सनसेट भी बहुत प्यारा होता है. अभी तो फिलहाल सनसेट हो रहा है. शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 बज चुके हैं. हमारी एक और जगह कवर करनी रहती है एंड आई एम गोइंग टू द लास्ट प्लेस फॉर द डे. सो वी आर हेयर एट द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि वो हॉस्टल की वाइब देती है और ये भीड़ के बिल्कुल अंदर है. इफ़ आई टॉक अबाउट अदर हॉस्टल्स, मतलब जो बहुत फेमस टाइप्स है वो थोड़ा भीड़ से बाहर है, बट दिस इज समथिंग माई फेवरेट एंड विच आई प्रीफर, विच इज वूपर्स. वूपर्स के पीछे बहुत एक राज है क्योंकि हर जगह के वूपर्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. लेट्स जस्ट गो. कम राइट. ये वाला जो पीपल वूपर्स है ये पूरा का पूरा आपका फ्रेंड सीरीज पे बेस्ड है. अगर आपने फ्रेंड सीरीज देखी है, बिकॉज हर वूपर्स की एक अपनी स्पेशलिटी है एंड दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी फ्रेंड सीरीज. सो क्या आपने देखी है फ्रेंड सीरीज? मैं सच बताऊँ मैंने नहीं देखी यार. तो हर ऊपर की एक अपनी वाइब है. सो गेट दैट्स द गाइस मेन्यू यहाँ का, बट सिर्फ इतना नहीं है, दे हैव द होल मेन्यू अवेलेबल ऑन द बार कोड. सो आपको अगर मेन्यू में कुछ खाना है तो यू कैन एक्चुअली अप्रोच द बार कोड्स, विच इज़ लाइक आजकल बहुत अच्छा हो गया है. बिकॉज क्या कहते हैं इस चीज़ को, सोशल डिस्टेंसिंग. सो ही इज़ मैनेजिंग राइट नाउ हियर. अजय राइट? हाय अजय. अजय कह रहे हैं आज मेरी प्रॉपर्टी भरी हुई है. मैंने कहा कोई बात नहीं. कह रहे मेस्ड अप भी है. मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे पता चलता है कि बीर में कितने सारे लोग आए हुए हैं. सो आई सब मैं जा रही हूँ उसका रूम देखने. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो हाउ मेनी रूम्स आर देयर? पहले तुम मुझे ये बताओ. 8 रूम्स आर देयर. एंड क्या तुम्हें बेस्ट लगता है एज ए यहाँ पे? बिकॉज यू आर अ मैनेजर, तो क्या अच्छा लगता है इतना? दिस एरिया. दिस एरिया. दिस एरिया. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस एरिया. इट्स अ काइंड ऑफ पार्टी फ्रीकर्स एरिया. और उसके अलावा यहाँ की वाइब्स तुम्हें कैसे लगती है अजय? बेस्ट. सनसेट. सनसेट इज अमेजिंग. आई गेस दिस इज समथिंग व्हिच इज यू नो योर बेस्ट काइंड ऑफ रूम. उसका व्यू पूरा बालकनी का है, सो यू कैन एक्चुअली एंजॉय सुबह सुबह. मतलब यार सनसेट, मतलब सनसेट और सनराइज दिखता है. यहाँ से सनराइज दिखता है. ओके, सनसेट उधर दिखता है. ऑलराइट. अच्छा ओके. वाओ, मतलब यहाँ पे अराउंड 4 से कितने, मतलब 4 जने
ऑक्यूपेंसी देते हो. सो वी हैव द किचन ऑल्सो एंड वी हैव प्रेस्टीज का. अच्छा नो इट्स अ बटरफ्लाई कौन सी कंपनी है मुझे पता नहीं गाइस. बट वी हैव, अगर आपको खाना बनाना है तो आप इन्हें चुरा सकती हूँ. मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए. अब अगर खाना बनाना है यू कैन एक्चुअली मेक द फूड. वी हैव द वाटर बॉटल्स, वी हैव द एरिया फॉर द किचन अगर आपको यहाँ कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा रुकना है. एंड यस वी हैव द केटल ओवर देयर. देयर इज अ लैंप ऑल्सो. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम विद योर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली द थीम इज ऑल्सो फ्रेंड. दिस इज द बेस्ट रूम, आई सजेस्ट यू पीपल. एंड बाकी रूम आई गेस सारे के सारे सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला डबल ऑक्यूपेंसी से होंगे. और सिंगल देखिए पूरा आज ऑक्यूपाइड है. तो वीर अभी ना सबसे हाई सीजन पर चल रहा है गाइस. अगर आप लोगों को नहीं पता तो अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो यू हैव टू कम. दिस इज नाइस. चल रहा हूँ. दिस इज अ पेंटिंग. ओके सो गाइस वी हैव द फ्रेंड्स का बेस थीम एंड लेट्स जस्ट गो इनसाइड. एंड यहाँ पर जितने नाम है ना वो सारे के सारे करेक्टर्स के ऊपर रखे हैं. ठीक है आई मीन टू से. सो वी आर एंटरिंग इन टू डोमेट्री और यहाँ पर है सिक्स फ्लोर. सो लेट्स जस्ट चेक आउट द रूम and just rate the bed. Okay, it's 5 out of 10. मैं बहुत सारे beds को शायद देख चुकी हूँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि I'm into hotel industry so much. कैसा लग रहा है यहाँ पे रहके? How is it? We just came and our theme is nice. So you must be liking the friends a lot. Yes. You also? देखते हो? पक्का देखते हो? शक्ल दिखाओ अपनी फिर अपने आप कैसे पसंद आ सकता है. आप देखते हो आई एम प्रीटी श्योर फ्रेंड्स तब भी आप लोग आपको पसंद आया. चलो ऑल द बेस्ट गाइस. एंजॉय बीर एंड डू पैराग्लाइडिंग एज वेल. सी या. सो गाइस वूपर्स के जो प्राइजेस हैं वो 400 से लेके 500 के बीच में स्टार्ट से लेके अराउंड 4000 तक है. प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, वेरी हो जाते हैं टाइम के साथ साथ. सो आपको पांचों में से कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई मुझे ये चीज़ बताओ. स्टार्टिंग फॉर दी हिप होस्टल बीर कैंस एंड आई गो टू बाग, इफ आई गो टू हिमाल एंड आई गो टू वूपर्स. कौन सी आपकी फेवरेट है फटाफट कमेंट करके बताओ. टिल देन स्टे ट्यून एंड आई गोना सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट व्लॉग. भूलना मत अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक बिकॉज देर इज ह्यूज गिव अवे ऑल्सो कमिंग विद मी. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट व्लॉग. बाय.